इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए हैं। ई गवर्नेंस के कार्यक्रम में सीएम बोले हैं, आपको बता दें, और मेक इन इंडिया में हमारी प्रमुख भूमिका रहेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे। आईटी सेक्टर में बेहतर काम किया जाएगा। इस बैठक के दौरान ये निकलकर सामने आया, एफडीआई के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। इस बैठक के दौरान काफी कुछ अहम बातें निकलकर सामने आई है। जो नए औद्योगिक हैं उनके क्षेत्र में भी काम किया जाएगा। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि इस बैठक के दौरान शामिल हुए। ई गवर्नेंस के कार्यक्रम में सीएम बोले हैं कि मेक इन इंडिया में हमारी प्रमुख भूमिका रहेगी। आईटी सेक्टर में भी बेहतर काम किया जाएगा, साथ ही एफडीआई के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। नई औद्योगिक नीति पर भी काम किया जाएगा। हालांकि काम चल रहा है और बेहतर काम करने का दावा किया गया। आईटी इलेक्ट्रॉनिक विभाग का एक दिवसीय इवेंट था और इस बैठक में कई अहम बातें निकलकर सामने आई है। कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए और सीएम ने जो वादा किया, ई गवर्नेंस को लेकर मेक इन इंडिया में हमारी प्रमुख भूमिका रहेगी। जो विकास के मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में भी बेहतर काम करने की बात कही गई इस बैठक के दौरान। एफडीआई के लिए हर कदम उठाया जाएगा, ये बात भी निकलकर सामने आई। साथ ही नई औद्योगिक नीति पर भी काम किया जाएगा बेहतर तरीके से। तो आपको बता दें, इस बैठक के दौरान काफी कुछ अहम बातें निकलकर सामने आई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष पांडे जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरह से इस बैठक के दौरान कई नीतियों पर चर्चा की गई है, जिस तरह से कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ पा रही है? देखिए, बड़ी शुरुआत है ये उत्तर प्रदेश सरकार की, और क्योंकि इन्होंने जो 2012 में इलेक्ट्रॉनिक नीति बनाई थी और आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक नीति बनाई गई थी, उसमें जो है इनका ये प्रयास था कि उत्तर प्रदेश में जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक की बड़ी कंपनी है, इस फील्ड की बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की तरफ कोशिश की जाए, उनका ध्यान बढ़ाया जाए, कोशिश की जाए कि उत्तर प्रदेश में वो अपने उद्योग लगाए और अपने अपनी ब्रांचेज डालें, जिससे उत्तर प्रदेश की युवाओं को रोजगार मिले। तो इसी ये जो इवेंट चल रहा था, ये इसमें जो है इसी तरह की जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी बड़ी देश की नामी गिरामी कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, एलजी और तमाम बहुत सी सारी कंपनियों ने शिरकत की थी। तो पूरे मामले में जो है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद थे। उन्होंने इन जो प्रतिनिधि आए थे इन कंपनियों को, उन्हें पूरी जानकारी दी, उत्तर प्रदेश की जो ई गवर्नमेंट पॉलिसी है उससे अवगत कराया, और उन्हें साथ ही साथ ये आश्वस्त किया कि अगर उत्तर प्रदेश में वो अपने उद्योग लगाते हैं या उत्तर प्रदेश के साथ सरकार के साथ वो अपना कंपनियों का टाई अप करते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें किसी भी तरह की समस्याएं नहीं आने देगी और उत्तर प्रदेश सरकार उनका भरपूर सहयोग करेगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि आपको बता दें, सीएम अखिलेश यादव ने कई अहम वादे तो किए, मेक इन इंडिया में अहम भूमिका की भी बात कही। इस कैबिनेट बैठक के दौरान वादे किए जाते हैं, लेकिन क्या वो वादे सार्थक हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वो कितने धरातल पर, कहीं ऐसा ना हो जो तमाम वादे किए गए वो कहीं ना कहीं सार्थक नहीं हुए, धराशायी होते नजर आए। क्या ये वादा पूरी तरह से सार्थक होता नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी।